मेड काजल -tempered. तो हमें बताना है कि जो खाली स्थान है इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा पहला ऑप्शन है प्रेशर्स, दूसरा है, है चिड़चिड़ा तो हो, चीड़ हो जाना या फिर गुस्सेल हो जाना तो वर्क एंड डोमेस्टिक हो सकता है ग्रेविटीज नहीं होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण थोड़ी उसको सो टेम्पर्ड बनाएगी वेट्स भी नहीं बनाएगा वेट्स मीन वजन फोर्स मीन्स ताकत ये भी नहीं होगा सो इसका आंसर ए हो जाएगा प्रेसर्स वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स मेड काजल सो टेम्पर्ड तो इसका आंसर क्या होगा ए हो जाएगा यह एस एस सी सीरियल दो हज़ार टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर टू है इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू खालिस्तान 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई 30 एमकेआई फाइटर्स फ्रॉम रसिया अलोंग विद अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स तो हमें बताना है कि खालिस्तान में कौन सा आंसर होगा कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है अचीव ऑप्शन बी है एडवांस ऑप्शन थ्री है ए एंड ऑप्शन फोर है प्रोक्यूर 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 मींस होता है किसी चीज को किसी से लेना जब्त करना तो देखिए ये कह रहा है कि इंडिया इज फॉर्मली मूविंग ए हेड इन इंडिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ रही है 21 मिग विमान लेने के लिए और 12 सुखोई एम फाइटर्स रशिया से अपग्रेडेड फाइटर रशिया से लेने के लिए तो हम रशिया से वो क्या करेंगे वो फाइटर प्रोक्योर करेंगे तो इसका आंसर डी ही होगा अचीव तो नहीं करेंगे अचीव होता है किसी चीज़ को गोल को अचीव करना एडवांस मीन्स उनको एडवांस तो एडवांस तो अपग्रेडेड तो वो दे रहे हैं तो एडवांस इसका आंसर होगा नहीं अकम्प्लिस मीन्स होता है किसी चीज को पूरा करना किसी कार्य को पूरा करना तो ये भी ऑप्शन सूट नहीं हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रोक्योर यानी इंडिया है औपचारिक रूप से 21 मिग 29 विमान और 12 सुखोई एमकेआई फाइटर है वो प्रोक्यूर कर रहा है रशिया से अलोंग विद अपग्रेड ऑफ देयर एग्जिटिंग फ्लिट्स तो इस, इसका आंसर होगा डी तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है द इंटरव्यूअर आस्केट गौतम कैन यू टेल मी व्हाट योर खालिस्तान

कैन यू टेल मी क्या आप मुझे बता सकते हो वॉट योअर तो इन लाइफ तो इसके अंदर डिटर्मिनेशन तो होगा नहीं डिटर्मिनेशन मीन्स होता है कि क्या आपका दृढ़ संकल्प है तो ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा सूट नहीं हो रहा है फ्रीविलिटीज मीन्स होता है छिचोरापन तुझ चीजें करना तो यह भी इसका आंसर नहीं होगा ट्रिविलिटीज मीन्स भी होता है नगण्य तुझ चीजें बेकार चीज़ें तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा एस्पायरेशंस होता है मींस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव समथिंग एस्पायरेशन मींस ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव समथिंग किसी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर तो यही इसका आंसर होगा आंसर डी तो चलिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर हेल्प फ्रॉम रिलेटिव खालिस्तान हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स हेल्प फ्रॉम रिलेटिव खालिस्तान हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स ऑप्शन ए है अलाउड बी है अप्रूवड सी है पास्ट डी है सपोर्टेड तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा खालिस्तान में आएगा और इसका आंसर होगा तो देखिए हेल्प फ्रॉम रिलेटिव रिलेटिव क्या करेंगे हेल्प हेल्प मीन्स ये मदद बोल रहा है कि किसी ने इसकी मदद की तो हेल्प फ्रॉम रिलेटिव अलाउड हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स तो ये होगा नहीं आंसर क्योंकि ये सेंटेंस में सही अर्थ नहीं दे रहा है सेंटेंस का अलाउड हेल्प फ्रॉम रिलेटिव रिलेटिव से हेल्प उसे अनुमति दी डिफिकल्ट मुश्किल समय में तो ये आंसर नहीं हो रहा है अप्रूवड भी नहीं होगा और पास्ट भी नहीं होगा तो इसका आंसर सपोर्टेड हो जाएगा डी इसका आंसर होगा हेल्प फ्रॉम रिलेटिव सपोर्टेड हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स यानी रिलेटिव से इसको जो हेल्प मिली हेल्प मिली डिफिकल्ट टाइम्स में कठिन टाइम में उसने इसको क्या किया सपोर्ट किया उसने इसकी सहायता की तो इसका आंसर क्या होगा डी इसका आंसर हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है द एडवांस्ड नेशन फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम साइंस वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ खालिस्तान इन पॉपुलेशन तो हमें बताना है कि जो पहला ऑप्शन है स्केल दूसरा ऑप्शन है बी रेट और सी सी तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी और चौथा ऑप्शन है डिग्री तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा यानी खाली स्थान के अंदर आएगा तो देखिए द एडवांस नेशन फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम ये कह रहा है कि जो विकसित देश होते हैं उनमें पॉपुलेशन की कोई समस्या नहीं होती साइंस वर ऑलरेडी सेटल डाउन टू जीरो ग्रोथ जीरो ग्रोथ ग्रोथ क्या होती है रेट होती है तो इसका आंसर बी हो जाएगा जीरो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन तो बी इसका आंसर होगा ये बोल रहा है कि जो एडवांस नेशंस होते हैं जो विकसित देश होते हैं उनमें पॉपुलेशन की कुछ समस्या नहीं होती है जब से दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन यानी उनके देश में उनके वहाँ क्या होता है कि जीरो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है द डोर खाली स्थान इन वाइंड। वाइंड मीन्स हवा होती है द डोर खाली स्थान इन द्रोंग वाइंड हमें बताना है कि पहला ऑप्शन है स्लेम्ड दूसरा ऑप्शन है स्लेप्ड तीसरा ऑप्शन है सीजल्ड एंड चौथा ऑप्शन है हुटेड कौन सा इसका आंसर होगा देखिए स्लेब्ड मीन्स होता है किसी को थप्पड़ मारना या फिर उसको हम स्लेब्ड बोलते हैं सीजल्ड मीन्स होता है कि कोई चमक ना चमक धमक वाली चीज़ें होती हैं उसको सीजल्ड बोलते हैं हुटेड हुटेड मीन्स होता है किसी का तिरस्कार करना यानी जोर जोर से चिल्ला कर किसी का तिरस्कार करना जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि क्रिकेट में उस खिलाड़ी का हुटेड की गई उसके खिलाफ हुटेड की गई तो किसी चीज़ को जोर जोर से चिल्ला कर तिरस्कार करना हुटेड होता है देखिए स्लेम्ड होता है ऑप्शन ए है वही इसका आंसर होगा द डोर स्लैप्ड द डोर स्लेम्ड इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी स्लेम मीन्स होता है कि जोर की आवाज से बंद होना किसी चीज का दरवाजे आदि का जोर की आवाज करके बंद होना तो डोर इन स्ट्रोंग वाइंड तो ए इसका आंसर होगा तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन यू नीड नॉट खाली स्थान सो मच फस अबाउट वियरिंग ए मास वेन वेन यू गो आउट तो हमें बताना है कि इसका ऑप्शन ए आंसर होगा बी होगा सी होगा या फिर डी होगा तो यू नीड मेक सो मच अबाउट नीड नोट मेक अर्थ होगा कि जरूरत नहीं है सो मच फस अबाउट वेयरिंग ए मास्क यानी इतना अधिक को को लहाल यानी शोरगुल करने की कि एक मास्क पहनना जरूरी है जब आप बाहर जाओ तो इसका आंसर क्या होगा बी हो जाएगा यू नीड नॉट मेक सो मच फर्स्ट देखिए केस होगा नहीं क्योंकि सह सूट नहीं हो रहा है जनरेट बी इसका आंसर नहीं होगा और डू भी नहीं होगा तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन नंबर एट है ए खाली स्थान सोवेनियर विल बी रिलीज ऑन दी ओकेजन ऑफ दी वर्ल्ड मीट तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा ए ऑप्शन जिनरस होगा बी कंसिडरेबल होगा सी बाउंटीफुल होगा डी वॉल्यूमिनस होगा बाउंटीफुल मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में वॉल्यूमिनस भी होता है प्रचुर मात्रा में कंसिडरेबल मीन होता है महत्वपूर्ण और जिनरस मीन होता है उदार तो ए सोनियर मीन एक स्मृति चिन्ह निशानी एक जारी की जाएगी तो इसका आंसर डी होगा वॉल्यूमिनस ए वॉल्यूमिनस क्या होगी सोमिनियर रिलीज की जाएगी वर्ल्ड मीट के ऊपर तो इसका आंसर क्या होगा डी होगा ए वॉल्यूमिनस सोमिनियर विल बी रिलीज ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मीट तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन द जंगल वाज नियरली खाली स्थान सो द प्रोग्रेस वाज स्लो द जंगल वाज नियरली खाली स्थान सो द प्रोग्रेस वाज स्लो तो हमें बताना है कि इसका ए ऑप्शन इम्पिनिट्रेबल इंपिनित्रे, इंप, मींस जिसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सके जिसके अंदर इंटर नहीं किया जा सके वो इसका आंसर होगा या बी इमटेरियल अप्रशांसांगिक मतलब जिसका कोई महत्व नहीं हो वो आंसर होगा बी या सी इमोटल यानी नश्वर आंसर होगा या डी या इमोबाइल मीन्स जो चल ना सके जो गतिशील नहीं हो, हो जो स्थिर हो उसे इमोबाइल बोलते हैं तो डी आंसर होगा तो इसमें से बताना है कि मैं कौन सा इसका आंसर होगा तो जंगलवास नियरली इम्पिनिटरेबल यानी जंगल में लगभग प्रवेश करना मुश्किल था

ऑफ़ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कार्ड द एजेंट तो हमें बताना है कौन सा इसका ऑप्शन आंसर होगा ए ऑप्शन होगा बी होगा सी होगा या डी होगा तो आई रीड समिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कार्ड अप द एजेंट तो इसका आंसर ए होगा ए इसका आंसर हो जाएगा बी होगा नहीं क्योंकि आर्ग्यूमेंट थोड़ी बहुत रीड करेगा प्रॉपर्टीज के और मोनालोग्यूज भी नहीं रीड करेगा मोनोलोगिज मीन होता है कि एक वार्तालाप होता है तो नाटक में एक तरफा बोला जाता है ना उसको मोनालोगी बोलते हैं हम एक तरफा भाषण होता है जो स्पेसेस भी नहीं होगा स्पेसेस होता है कि स्थान खाली स्थान खाली समथिंग तो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका होगा इसका आंसर होगा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर इलेवन है माई न्यू ईयर्स खाली स्थान इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज My न्यू Year's, खालिस्तान इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज हमें बताना है कौन, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा ए ऑप्शन है रिजोल्यूशन बी ऑप्शन है रिपीटेशन सी ऑप्शन है सेलिब्रेशन एंड डी ऑप्शन है कन्फेशन तो ये कन्फेशन मिस होता है किसी गलती को स्वीकार करना तो ये तो आंसर होगा नहीं रिपीटेशन भी होता है किसी चीज की पुनरावृत्ति या दोहराना किसी चीज को तो ये भी नहीं होगा सेलिब्रेशन मिस उत्सव बनाना तो देखिए न्यू ईयर पे हम रिजोल्यूशन लेते हैं किसी चीज का रिजोल्यूशन क्या होता है रिजोल्यूशन होता है ए फिल्म डिसीजन टू डू और नोट टू डू समथिंग यानी एक निर्णय होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस साल में तो न्यू ईयर पे हम रिजोल्यूशन लेते हैं तो इसका आंसर ए हो जाएगा सो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है वी खाली स्थान द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा ए ऑप्शन है क्यूशन बी ऑप्शन है प्रोबेड प्रूवड एंड सी ऑप्शन है इंस्पेक्टेड एंड डी ऑप्शन है एनालाइज्ड तो देखिए, वी खालिस्तान द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द इशन तो होगा नहीं क्योंकि मार्क्स स्टूडेंट ही आ रहे हैं तो उसका हो हो रहा है 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 कैसे होता होता का तो तो उसको किया जाता है. तो इसका आंसर हो जाएगा होगा किसी चीज़ की छानबीन करना तो ये नहीं होगा इसका आंसर प्रूव मीन्स होता है किसी चीज को प्रूव करना तो यहाँ पर किसी चीज को प्रूफ करने की जरूरत है नहीं है यहाँ पर मार्क्स को एनाइज कर रहा है वो डिफरेंट सब्जेक्ट के अनुसार तो इसका आंसर डी हो जाएगा देखिए so, फ्रेंड्स अगला हमारे क्वेश्चन नंबर थर्टीन है सोशल आइसोलेशन ओवर क्राउडिंग द खाली स्थान ऑफ ओवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस तो हमें बताना है कि खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन है कॉम्पिटेटिवनेस competitive, दूसरा ऑप्शन है चीपनेस तीसरा ऑप्शन है अट्रैक्टिवनेस एंड जब फोर्थ ऑप्शन डी इज अफोर्डेबिलिटी तो देखिए फ्रेंड्स सोशल आइसोलेशन ऑन ओवरक्राउडिंग ओवर क्राउडिंग द कंपिटिटिवनेस ऑफ आवर सोसाइटी यानी सोसाइटी के बीच जो प्रतिद्वंदता होती है एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ लगी होती है उसमें क्या होता है स्ट्रेस बढ़ जाता है वन ऑफ द फैक्टर होता है स्ट्रेस इंक्रीज करने के लिए तो इसका आंसर ए हो जाएगा चीपनेस होगा नहीं चीपनेस मीनस सस्तापन होता है किसी चीज़ का तो ये होगा नहीं एक्ट्रिक्टिवनेस मीन्स होता है किसी चीज़ को आकर्षित करना मोहित करना तो ये भी नहीं होगा एफोर्डेबिलिटी मीन्स किसी चीज को अफोर्ड कर पाना सहन uh, कर पाना बर्दाश्त कर पाना मैनेज कर पाना तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा इसका आंसर ए हो जाएगा कॉम्पिटेटिवनेस सो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है एडवर्टाइजर्स ऑफ यूज राइम एंड खाली स्थान एडवर्टाइजर्स ऑफ्टन यूज राइम एंड खालिस्तान हमें बता नहीं खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा ये सीजन 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है तो पहला ऑप्शन है डेजिनेशन ये होगा नहीं अल्टरनेशन भी नहीं होगा डीनशिएशन भी नहीं होगा तो इसका आंसर डी एलिट्रेशन हो जाएगा देखिए रीम एंड एलिट्रेशन होता है तो एडवर्टाइजन ऑफ्टर यूज रीम एंड एलिट्रेशन एलिट्रेशन मीन्स होता है अलंकार बोलते हैं इसको आभूषण भी बोलते हैं तो इसका आंसर बी हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है सेल्स खालिस्तान फ्रॉम डे टू डे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा ए ऑप्शन रिवर्स आंसर होगा बी ऑप्शन स्विंग आंसर होगा सी ऑप्शन फ्लक्चुएट आंसर होगा या डी ऑप्शन रोटेट आंसर होगा तो देखिए सेल्स फ्रॉम डे टू डे तो सेल्स होती है जो बिक्री होती है किसी चीज की वो क्या होती है फ्लैक्चुएट होती रहती है यानी वो बदलती रहती है मीन्स फ्लक्चुएट मीन्स क्या होता है टू चेंज फ्रिक्वेंटली फ्रॉम वन थिंग टू अनदर यानी जो अक्सर बदलती रहती है एक चीज से दूसरी चीज में यानी जिसकी कीमत है वो ऊपर नीचे होती रहती है तो यहां पर सी इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्चुएट रिवर्स होगा नहीं कि रिवर्स मीन्स होता है कि चारों ओर घूम ला स्विंग भी नहीं होगा रोटेट्स भी नहीं होगा तो इसका आंसर सी फ्लक्चुएट हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है सम पेचेस ऑफ दी खालिस्तान गार्डन हैव ए रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा खालिस्तान में कौन सा ऑप्शन आएगा पहला ऑप्शन है स्ट्रेचिंग दूसरा ऑप्शन बी है स्लाउचिंग तीसरा ऑप्शन सी है स्प्राउलिंग एंड चौथा ऑप्शन डी है स्ट्रोकिंग देखिए फ्रेंड्स स्ट्रेचिंग मीन्स होता है किसी चीज को स्ट्रेच करना खींचना लंबा करना बढ़ाना स्लाउचिंग मीन्स होता है सुस्ती से बैठना सिर या बाहीं लटकाते हुए या खड़े हो खड़े हो जाना सुस्ती से खड़े हो जाना सुस्ती से चलना इसको हम स्लाउचिंग बोलते हैं यानी स्लाउच मीन्स होता है सुस्ती होता है जनरली स्प्राउलिंग मीन्स होता है कवरिंग ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड जैसे हाथ या जैसे हाथ पाओ फैलाकर लेटना या काफ़ी टाइम लेकर हाथ पाओ फैलाना लेटना

पहला ऑप्शन है कंपेन दूसरा ऑप्शन है एम्बूस तीसरा ऑप्शन है पेंशन चौथा ऑप्शन डी है इलेक्शन तो देखिए ए मेजर एडवर्टाइजिंग वाज देखिए एडवर्टाइजिंग क्या होता है कंपेन होता है तो एक तो ए मेजर एडवर्टाइजिंग कंपेन वाज प्लान टू लॉन्च द न्यू ब्रांड ऑफ गारमेंट्स यानी एक मेजर एक, एक बड़ा एडवर्टाइजिंग कंपेन का हमने प्लान किया था न्यू गारमेंट को लॉन्च करने के लिए शुरू करने के लिए

तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर एटीन है खाली योर सेल्फ विद दी न्यू परफ्यूम तो हमें बताना है कि खाली स्थान में कौन सा ऑप्शन आएगा कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा तो पहला ऑप्शन है प्रोस्पर दूसरा ऑप्शन बी है प्यूरिफाई तीसरा ऑप्शन सी है पेम्पर एंड चौथा ऑप्शन डी है परकोलेट देखिए परकोलेट होता है किसी चीज़ को छानना किसी चीज़ में से जैसे हम चाय छानते हैं चादनी से तो उसको प्रकोलेट बोलेंगे प्योरीफाई मीन्स किसी को शुद्ध करना होता है प्रोस्पर मीन्स होता है खुश समर्द होना खुशहाल होना पेम्पर मीन्स होता है टू टेक केयर ऑफ समबडी वेरी वेल एंड मेक हिम मेक हिम और हर फील एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल मीन्स किसी की अच्छे से देखभाल करना उसको कंफर्टेबल फील कराना तो इसका आंसर सी ही हो जाएगा पेम्पर योर सेल्फ विद द न्यू परफ्यूम तो इसका आंसर क्या होगा सी पेम्पर तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है सम पीपुल वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग खाली स्थान इन फ्रंट ऑफ मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंट्रिंग तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा कौन सा ऑप्शन खाली स्थान के अंदर आएगा पहला ऑप्शन है वेट दूसरा ऑप्शन बी है वेस्ट तीसरा ऑप्शन सी है वेट चौथा ऑप्शन डी है वेस्ट वेस्ट यानी होता है किसी चीज की फालतू होना किसी चीज का अतिरिक्त होना सी वेट 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 यानी 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 होता है, वजन होता है है वजन किसी चीज़ का इंतजार करना होता है और वेस्ट मींस होता है जो कलाई होती है उसको हम वेस्ट बोलते हैं तो देखिए सम पीपल वे टाइड फॉर ऑफ द लॉन्ग वेट हो जाएगा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ द मॉल एंड लेफ्ट विदाउट एंट्रिंग देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि थक जाते हैं हम लंबी लंबी लाइन में खड़े हुए मॉल के अंदर जाने के लिए और उसके बाद क्या करते हैं वो लेफ्ट विदाउट इंटर बिना इंटर किए ही चले जाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा सी हो जाएगा वेट सॉरी इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा वेट तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखते हैं किड्स एंड सेली वर ऑफ दिस सेम पीरियड दे वर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा ए ऑप्शन है कोलेग्यूज बी ऑप्शन है एसोसिएट्स सी ऑप्शन है कंटेम्प्रीज एंड डी ऑप्शन है एसक्वेंटेंस तो देखिए इसका आंसर होगा कंटेम्प्रीज हो जाएगा देखिए कंटेम्प्रीज आर दोज पीपुल वो लिव और डू समथिंग एट दी सेम टाइम्स यानी कंटेम्प्रेरीज वो पर्सन होते हैं जो एक ही समय में रहते हैं जीवित रहते हैं और एक या, या फिर एक साथ ही कुछ काम करते हो यानी जो समकालीन हो कंटेम्प्रेरीज मीन्स होता है समकालीन या तो वो समकालीन रह रहे हो किसी के साथ या समकालीन वो काम कर रहे हो तो उनको क्या बोलते हैं कंटे कंटेम्प्रेज बोलते हैं तो इसका आंसर सी हो जाएगा कंटेम्प्रेज